कलयुग के लोगों की आयु कम है कि ज्यादा है? है? आप सुनते फलाना राजा 10,000 वर्ष का, 60,000 वर्ष का, 1,00,000 वर्ष का, 10,000 वर्ष तपस्या करी और तुमने? हमारा तुम्हारा का है रो बताइयो, बता दो सही। 5 मिनट भगवान का भजन नहीं होता, 5 मिनट। 5 मिनट भजन करें तो मन उब जाता है, भागने को करता है, चलो चलो। भाग्य स्ट्रांग किससे होता है? भगवत कृपा से। ध्यान से सुनना, युवाओं से कह रहा हूं जो परेशान है कि महाराज हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ध्यान से सुनो। तुम्हें कोई सच्ची राह दिखाने वाला नहीं है, सब अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, चाहे वो स्कूल वाले हों, टीचर्स हों, या ये हों, चाहे वो हों, सब यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। एवरीवन, माफ कीजिएगा, फैमिली भी इससे वंचित नहीं है, वो भी तुम्हें यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। औरों की तो बात ही छोड़ दो, यूज करो और थ्रो करो, सिस्टम नहीं है। फैमिली के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे गोविंद के पास वो व्यवस्था नहीं है, यूजेंत्रो वाली। जिसको वो कृपा करते हैं, दुनिया उसकी कृपा के लिए तरसती है। जिस पे गोविंद की कृपा हो, उसकी कृपा के लिए पूरी दुनिया तरसती है। और भजन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से भगवत कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। और आज का युवा भजन नहीं करता, दूसरा कोई साधन तुम्हारे पास अभी कलयुग में नहीं है, क्योंकि मंद भाग्य, आप मंद भाग्य हो, आयु कम है। कुछ चीजें हैं हमारे विनाश की, गिनाऊं कि नहीं? उनमें से 99% आप में वो सारी चीजें होंगी, गिनाऊं कि नहीं? बोलो, कहो तो गिनाऊं, नहीं तो नहीं। गिनाऊंगा, मैं कहां मानने वाला हूं। कुछ चीजें हैं जिसमें व्यक्ति बर्बाद होता है, विनाश हो जाता है उसका, स्पेशली 6 चीजें। युवाओं से आग्रह, ध्यान से सुनना, व्यक्ति के विनाश के 6 कारण हैं। वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता जिसमें ये 6 अवगुण हैं। वो 6 अवगुण हैं, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम को टालने की बुरी आदत। समझ में आया कि नहीं? हमारे युवाओं में कूट कूट के भरा पड़ा ये सब गुण, कूट कूट के। बिस्तर नहीं छोड़ेंगे 10 बजे से पहले, और जो बिस्तर छोड़ने की कह दे वो दुश्मन लगता है सुबह। और किसी दिन अर्ली मॉर्निंग कोई कार्यक्रम बना दे कोई व्यक्ति हमारे से बड़ा, फिर देखो कैसी कैसी झुरझुरी छूटती है। जिस दिन में से ऊपर बन जाऊंगा ना, इसे बाहर बैठा के रखूंगा 4 बजे सर्दी में, चाहे जो हो जाए। निद्रा, जो अधिक सोते हैं वो बर्बादी का कारण है। गुस्सा, जिन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, ये बर्बादी का कारण है। क्यों? आप कितने भी बड़ी जगह पर हो, आप कितने भी ऊंचे पोस्ट पर बैठे हो, या कुछ भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अगर आप गुस्सा करोगे तो अपना पतन करोगे। आपसे जुड़े हुए लोग धीरे धीरे आपसे कटने लग जाएंगे, आपका गुस्सा आपकी विनाश की जड़ बनेगा। थकान, बहुत जल्दी थक जाना। अगर तुम जल्दी थक जाओगे तो तुम कार्य में उतनी रुचि नहीं ले पाओगे, उतनी देर तुम कार्य नहीं कर पाओगे जिसकी जरूरत है। कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे काम करना चाहिए, और आजकल के बच्चे 2 घंटे काम करके ट्यूशन बच्चे पढ़े हैं, और देखो पढ़ के आए या पढ़ रहे हो, 2 घंटे बाद छोड़ो, 1 घंटे बाद कर, ओह माय गॉड प्लीज आई एम टायर्ड, ऐसे बोलते ना, आई एम वेरी टायर्ड, आई वॉन्ट टू रेस्ट। अच्छा, 12 घंटे में से 1 भी नहीं हुआ अभी तो। थकना भी ये आपका शत्रु है, आलस्य ये सबसे बड़ा शत्रु है। आप देखेंगे मोस्टली युवा आलसी है, युवाओं को छोड़ो साहब, बूढ़े बूढ़े भी, और जो हम जैसे 40+ हैं वो भी कम आलसी नहीं है। और आज के नाम पे जवानी, जवानी के नाम पे जवानी रही नहीं है, सीधे बचपन से बुढ़ापा आता है।
जो आलसी हो, जो निद्रा अधिक लेता हो, जो अपने टारगेट अपने गोल के लिए प्रयासरत ना हो, वो बुढ़ाई तो है। जवानी बचपन आया, जब पैदा हुए 10-5 साल रहे, उसके बाद सीधे बुढ़ापे में गए। ध्यान देने योग्य बात है, आलसी नहीं होना चाहिए। अगर तुमने जीवन में कुछ बनने की कसम खाई है, शपथ खाई है, अगर तुम वाकई जीवन में बनना चाहते हो, तो आलस्य का परित्याग उसी समय कर दो जिस समय तुमने सपना देखा हो। या तो सपने मत देखो और या फिर आलस्य मत करो, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगी, है ना। इसलिए आलस्य नहीं होना चाहिए। और सबसे बुरी आदत वो है काम टालने की आदत। काम नहीं टालना चाहिए। हमारे संत कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुर करेगो फिर कब करोगे। काम को टालो मत, जितनी अच्छे काम को। एक और बात सुने यार, रावण का ज्ञान रखे अपने पास। काम कौन सा अच्छा, बुरा नहीं। तुम्हारे मन में आया हो कि एक टारगेट बना लिया, ये पड़ोसी मुझे बड़ा तंग करता है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, काम है, ये भी छोड़ूंगा नहीं, ये भी तो काम ही है, लेकिन बुरा काम है। पीछे से मैं इसके घर में आग लगा दूंगा, मैं इसकी दुकान में आग लगा दूंगा, मैं दुकान में लूट करवा दूंगा, चोरी करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ये बुरे काम है, इनमें जल्दबाजी मत करना। बुरे काम को टालते रहो और अच्छे काम को कभी टालो मत, जितना जल्दी हो सके कर डालो। एक और वजह, भय, डरना। व्यक्ति डरता कब है? जब बुरा काम करने जाता है तो डरता है। अच्छे काम से कभी नहीं डरना चाहिए, अच्छे काम को कर डालना चाहिए। कुछ ये चीजें हैं जो मैं चाहता था युवाओं को बताना। आई होप कि आप युवा इनमें से एकाध चीज तो अभी छोड़ देंगे। और सबसे पहले दो चीज छोड़ना मेरे कहने से। पूछो कौन सी? एक, ज्यादा सोना, देर तक सोना, इसको त्याग दो। दूसरा, आलस्य को ओढ़े रखना, इसको छोड़ो। वैसे तो क्रोध भी छोड़ देना चाहिए, भय, बेकार का बेवजह डरना भी छोड़ देना चाहिए, क्रोध भी छोड़ दो। ये कुछ चीजें छोड़ दो, 6 की 6 वो चीजें छोड़ो। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, 2 तो तुरंत छोड़ो। एक तो अधिक सोना और एक आलसी रहना, ये तो अभी छोड़ो। आप सब युवाओं से मेरा निवेदन है, आप मेरी बात को समझें अपने हित के लिए।